दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे असम पुलिस के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गैस्ट्रिक इज रिटेन एज, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे इस वर्ड का कोड पूछ रहा है, डिसीप्स बी रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब यहाँ जो कोड दिया हुआ है मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, GASTRIC, ये दिया हुआ है UCIREKT, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये इसका जो कोड है, अब इसमें रिलेशन क्या है, यानी ये प्लस हो के आया कितने का गैपिंग है, या माइनस हुआ तो कितने का गैपिंग है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ फर्स्ट लेटर आपको दिख रहा है जी, तो जी का नियरेस्ट कहाँ है पहले उसको ढूंढोगे आप, तो यू तो होगा नहीं, अगर लास्ट में देखें तो टी ए तो ज़्यादा का गैपिंग है, तो ये अपोजिट भी नहीं हो रहा है, अगर अपोजिट अगर देखें जी टी रोड जी टी होगा, बट ए का अपोजिट हमारा फिर यहाँ जेड तो है नहीं कहीं, है ना। तो इस कंडीशन में जी के नियरेस्ट अगर देखोगे तो आई एक दिख रहा है जी एच आई प्लस टू ए बी सी एस टी यू, हाँ ये हाँ देखोगे आप, ये फर्स्ट थ्री लेटर का कोड इस तरह से है, यानी ये प्लस टू, अगेन ए के लिए सी प्लस टू और एस के लिए भी हो रहा है प्लस टू, ठीक है। पता चला स्टार्टिंग का थ्री जो कोड है यहाँ का थ्री कोड है, बट ये क्या है, रिवर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस तरह की कंडीशन में हमेशा याद रखोगे कि पहला थ्री लास्ट का थ्री का कोड भी क्या होगा, रिवर्स ही होगा, उस साइड से, उसके बाद में बीच में जो होगा उसका कोड सामने ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे टी आर एस टी यानी माइनस टू, ये आर का माइनस टू, क्लियर। बाकी आप चेक करो आर एस टी आई जे के सी डी एन एन ई, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चंस में आपका जो दिया हुआ है इसका हम लोग कोड इसी प्रोसेस से निकालेंगे, डी तो डी के लिए क्या होगा, प्लस टू जाएंगे ई एंड देन एफ, तो यहाँ होगा एफ एंड देन ई एफ जी सी डी ई। तो फर्स्ट थ्री लेटर आपको मिला दोस्तों ई जी एफ, तो ऑप्शंस में अगर हम लोग इसी तीन लेटर से ही अगर निकालने की कोशिश करें तो ई एफ ई जी एफ कहाँ है फर्स्ट थ्री का, वो देखोगे यहाँ है नहीं, यहाँ भी आपको नहीं दिख रहा है इस ऑप्शन नंबर में, हाँ यहाँ है ई जी एफ ई जी एफ, नेक्स्ट यहाँ देखोगे तो यहाँ भी नहीं है। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो कि आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। अगर आप पूरा भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, ई के दो नीचे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, सी डी एंड देन ई, माइनस था ना यहाँ पे, टी के दो नीचे था माइनस, ठीक है। अब उसके बाद आई जे के, तो ये लास्ट में होगा के, उसके बाद भी डब्ल्यू एक्स तो यहाँ होगा, एंड देन ई एफ एंड देन जी, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। तो यहाँ देखोगे तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले नंबर को ध्यान से देखोगे, और नंबर का जो गैपिंग है एक लिमिटेड गैपिंग है, ऐसे नहीं कि बहुत अचानक से नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक लिमिटेड गैपिंग में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हम लोग इसका डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 22 माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करते हैं, 33 माइनस 22 करोगे ये होगा 11। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 41 यानी 14। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करते हैं तो 14 से 7 गया 7 एंड देन 5 से 4 गया 1। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, अब ये जो आपका डिफरेंस मिला, अब ये कितने करके इंक्रीज़ हो रहा है, अब ये देखोगे ध्यान से कि ये नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बट एक लिमिटेड गैपिंग में इंक्रीज़ हो रहा है। तो कितने का गैपिंग हो रहा है, ये 3, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, तो नेक्स्ट कितना होगा प्लस 3 यानी कितने का हो जाएगा 17 प्लस 3 20। तो इस 20 को दोस्तों क्या करेंगे, ये लास्ट वाले में ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा प्लस 64 यानी हो जाएगा आपका 84। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 84 जो कि ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में,
ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, तो यहाँ देखोगे यहाँ एक गैपिंग है, यहाँ यहाँ इस तरह से आपको जो डैश दिख रहा है यहाँ आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा याद रखोगे, जब भी आ जाए आपके पास ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको करना क्या है कि यहाँ जैसे यहाँ थ्री लेटर्स एक साथ है, तो डबल सी के बाद ए है, तो यहाँ सी के बाद ए है, फिर ए के बाद एक बी है, तो ये शायद इस तरह से हो रहा है, डबल सी एंड देन ए, ठीक है। तो उसके बाद ए के बाद दोस्तों आपका यहाँ एक बी है, ठीक है, तो डबल सी ए एंड देन, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर यहाँ ऑप्शंस में देखोगे तो सारे जगह ए है, तो यहाँ तो ए आने वाला ही है फर्स्ट, तो पहला ए, यानी ए डबल सी ए एंड द नेक्स्ट जो होगा वो फिर क्या होगा आपका बी। इस तरह के सीरीज़ में आपका ये चलेगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे, तो ये अगर ए ले, ए डबल सी ए एंड द नेक्स्ट क्या होगा बी, ए डबल सी, तो यहाँ एक सी आएगा, ए डबल सी ए एंड द नेक्स्ट बी, फिर उसके बाद ए डबल सी एंड देन ए बी, पूरा ये सीरीज में बैठ गया, ठीक है। तो पता चला, तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी सी बी एंड देन सी, ये हो जाएगा ए बी सी बी एंड देन सी। तो देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है ए बी सी बी सी, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डायरेक्शन आपको क्लियर होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पता ही होगा आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए से, तो यहाँ एक ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक है। आगे देखते हैं, राम मूव्स 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो एक पॉइंट खत्म हुआ, तो इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखोगे 100 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट दोस्तों किधर है, इधर है ना, इस साइड। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस तरह से एक 100 मीटर एज्यूम कर लेंगे, ये हो गया आपका 100 मीटर, क्लियर, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। आगे देखते हैं, ही अगेन टर्न्स एंड मूव्स 100 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अब यहाँ से इस पॉइंट में आ चुका हुआ है राम, अब यहाँ से फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया, कितना 100 मीटर। तो दोस्तों अब देखोगे साउथ ईस्ट किधर है, इस साइड है ना, तो अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, कितना मीटर 100 मीटर, यानी ये जितना डिस्टेंस है सेम इतना ही डिस्टेंस जाएंगे, तो ये ज़ूम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गया 100 मीटर, अब यहाँ से हो गया ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्लियर। अब आगे देखते हैं, फिर ही अगेन टर्न एंड कवर्स 100 मीटर साउथ वेस्ट एंड फाइनली, ये नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चलो। तो ये हो गया 100 मीटर साउथ वेस्ट अगेन टर्न, तो साउथ वेस्ट किधर है दोस्तों, तो ये है ना साउथ वेस्ट, तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो दोस्तों ये 100 मीटर था, तो ये ज़ूम करते हैं यहाँ तक, चलो ये हो गया आपका 100 मीटर, ये हो गया साउथ वेस्ट इस पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फाइनली कवर्स 100 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर है दोस्तों, इधर ना, यानी इस पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे, तो इस पॉइंट से ऐसे जाएंगे, तो इसी पॉइंट में आ जाएंगे, क्योंकि सारा डिस्टेंस क्या है, सेम ही है ना, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए से अब किस डायरेक्शन में है? तो दोस्तों जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस गुरपीर के उसी पॉइंट में आ गया ना, इसी पॉइंट में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस सारा क्या था, सेम ही था, है ना, और ये एक ही शेप में हो गया, एक पैरेललोग्राम जैसा शेप हो गया, ये पैरेलल हो गया इसका, ये पैरेलल हो गया इसका, तो जिस पॉइंट से शुरू किया था इससे घुर के इधर से फिर इसी पॉइंट में आ गया,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर एट पॉइंट ए, ठीक है ना, उसी पॉइंट में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, आई वाई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ देखोगे ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ जो फिगर आपको दिख रहा है यानी बॉक्स, अब इस बॉक्स में देखोगे कि क्वेश्चन मार्क कहाँ है, तो यहाँ है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इस तरह क्वेश्चंस में या तो हम लोग रो वाइज देखते हैं या फिर कॉलम वाइज देखते हैं। तो अब यहाँ पे बड़ा दिख रहा है 49, 52, 25, तो हम लोग कॉलम वाइज ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले कि यहाँ 49 है, ये कैसे आया, 52 कैसे आया, ये आपको पता लगाना, और जिस प्रोसेस से आएगा उसी प्रोसेस से हम लोग आंसर को भी फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब यहाँ तो ये तीन नंबर जो है 9, 5 और 6 इंटू करके ही आएगा, इंटू करके कुछ माइनस करके या प्लस करके, तो चेक करते हैं। 9, 5 जा 45 में अगर 6 को ऐड करेंगे तब तो ये 49 आने वाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, 9 को 6 से इंटू कर दे तो 9, 6 जा हो गया 54, फिर माइनस अगर कर दे 5 तो 49। हाँ, अब यहाँ देखोगे इन दोनों को आप इंटू करो तो ये कितना हो जाएगा, 9, 6 जा 54, और 5 को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो बट यहाँ ये प्रोसेस जो फॉलो हुआ है यहाँ भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 और 8 को इंटू करते थे, 8, 7 जा 56, और माइनस कर देते हैं ये 4 को, तो ये हो जाएगा 52 है यहाँ पे, ठीक है। तो पता चल गया। तो अब उसी तरह से अब 4 और यहाँ पे जो नंबर होगा उस नंबर को इंटू करेंगे 4 से, उसके बाद 3 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 है तो 6, 4 जा 24 माइनस 3 कर देंगे तो 21 होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। 7 रखते हैं तो 7, 4 जा 28 एंड देन माइनस ये 3 कर दें तो ये 25 आ जाएगा, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या रखना होगा दोस्तों, ये हो गया 7, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अ पार्ट ऑफ बोथ सर्कल एंड ट्रेंगल। अब यहाँ देखोगे बोथ सर्कल एंड ट्रेंगल, ये बात बोल दिया, ठीक है, यानी दोनों में ही होना पड़ेगा, सर्कल और ट्रेंगल में। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये एक ट्रेंगल है, यहाँ एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है और ये एक सर्कल, ठीक है। तो अब इस ट्रेंगल के अंदर यहाँ पे तीन नंबर दिख रहा होगा, भी ए एंड देन ओ, उसी तरह से रेक्टेंगल में दिख रहा है एम ए डी ई, और ये सर्कल में आपको ये चार दिख रहा होगा लेटर ए ओ सी एंड देन डी। तो अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोला है कि सर्कल और ट्रेंगल में दोनों में ही हो जाए, यानी दोनों में कॉमन। तो देखोगे अब ये है ना, अब ये आपका ट्रेंगल दिखा, ये आपका सर्कल, अब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन यहाँ तक आ रहा है ना, बट हम लोग ये क्वेश्चन में अब सी बोला है दोनों में, तो ये अगर वाला लेंगे तो ये पोर्शन में क्या हो जाएगा कि ये पोर्शन में क्या आने वाला है, ये तीनों में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल भी आने वाला है। तो आपसे तो रेक्टेंगल पूछा नहीं है, पूछा क्या है सर्कल एंड ट्रेंगल, तो ओनली सर्कल एंड ट्रेंगल कहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, इसमें ट्रेंगल है और ये सर्कल है और रेक्टेंगल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर ओ, इसमें क्या है ओ ही है तो ओ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाया, जो अभी असम पुलिस का जो एग्जाम्स होने वाले हैं कॉन्स्टेबल का, वहाँ इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।